अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल व करम से आप भी ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पे बेगम साहब सुबह सुबह कमान संभाल ली है, तो सफाई पे सुबह सुबह नमाज के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाकई से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे, आबाद रहे, सब मुस्कुराते रहे। चलो जी, करें आप अपना काम जो आप काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह का टाइम है और नमाज कुरान हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्योंकि सुबह सुबह जब हम लोग वो काम कर लेते हैं ना, अल्लाह का काम करते हैं, अपने लिए करते हैं, क्योंकि अपनी आखिरत के लिए करते हैं। और दिन उसके बाद मैंने कहा कि सुबह सुबह पहले झाड़ू कर लूँ सहन की, क्योंकि बच्चे फिर खेलना कूदना कर देते हैं ना, तो फिर जो है ना मसला बन जाता है। सबसे पहले मैंने कहा सहन की झाड़ू कर लूँ, उसके बाद फिर अंदर का नाश्ता बना। सही, मैं भी अभी मस्जिद से नमाज़ पढ़ के आया हूँ, तो मैंने कहा यहाँ से भी लोग शुरू कर लूँ, सुबह सुबह का टाइम तो इसलिए आप करें काम और अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर सैम और अम्मी जी और अब्बू जी बैठे हैं और आयत फातिमा भी बैठी हुई है। माशाल्लाह अब्बा जी भी आ गए हैं, नमाज़ पढ़ के फिर सुबह सुबह दूध लेने जाते हैं, वॉक भी हो जाती है और दूध भी ले आते हैं। माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको सिया दे, क्योंकि दूध चाय तो आपको पता है ना, दूध मिलेगा तो फिर चाहिए, खुले दूध की चाय पीते हैं। माशाल्लाह, ठीक है तबीयत से? चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। ये हमारे दादाजी हैं और ये इनकी खजूर है, जिससे ये खजूर अभी जो है ना कुछ दिनों बाद जब खजूरें लगेंगी तो ये तोड़ेंगे क्या? अभी तो खजूरें नहीं है ना, जब खजूरें अभी लगेंगी कुछ दिनों बाद। अच्छा, ये खुद जाके तोड़ाएंगे? हाँ, चिड़िया चहकती है ना दरख्तों के ऊपर तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि छत वगैरह पे तो इतनी नहीं बैठती, लेकिन जब खजूर पे आके बैठती है ना बहुत अच्छी लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी स्कूल चले गए, घर का सारा काम हो गया। और जो है ना अभी मैंने कहा कमरे साफ करना था, किचन वाला, तो उसमें जो है ना जब गैस जलता है तो ऊपर जाले जो हो जाते हैं चिकनाहट की वजह से, तो मैंने कहा ये हमारा ब्रश है ये ब्रश है हमारा, तो इसके साथ जाले साफ करेंगे, क्योंकि अभी जो है ना बहुत सारी धूप भी निकल आई, अब ऐसा लगता है जैसे गर्मी आ गई है, क्योंकि जो है ना रात को थोड़ी बहुत ठंडक होती है तो होती है, वरना जो सुबह में थोड़ी बहुत होती है, वरना सुबह दोपहर में ना इतनी तेज़ धूप निकलती है। अभी दादा जान भी सो रहे हैं, धूप लगवा रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है अभी धूप लगवा रहे हैं। ये देखिए अभी जो है ना किस तरह से इस ब्रश से साफ हो रहे हैं अच्छे से, क्योंकि जाले जो लगते हैं ना, क्योंकि जब हम लोग खाना बनाते हैं चिकनाहट की वजह से ना, जब चिकनाहट ऊपर उड़ती है तो वो जो बैठ जाती है दीवारों पे, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई है माशाल्लाह, तो फिर हम लोग जो है ना बाहर ही बनाएंगे खाना। ये देखे इस कोने में भी लग रहा है, बाहर ही बनाएंगे खाना इंशाल्लाह, तो इसको जाना मैंने कहा साफ कर लूं अभी। छत पे तो जाले लगे हुए लेकिन पंखे के ऊपर भी ना बहुत सारी मट्टी है, तो ये भी इसको भी साफ मैंने कर लूं, इसलिए मैं ऊपर चढ़ गई हूँ, क्योंकि मैं जाना पेटी पे चढ़ गई हूँ ताकि अच्छे से साफ हो जाए। अभी आयत की दवाइयों का टाइम हो गया, क्योंकि शुक्र है अल्लाह का आज जो है ना इसको बुखार थोड़ा कम है, तो ये रो रही है अभी चिड़चिड़ी सी हो रही बुखार की वजह से, तो यहाँ जो है ना मैंने आयत को दे दिए और आयत रोने लग गई, तो मैंने अम्मी को दे दिया और जी मुझे दे दें, तो अभी आयत का दूध जोश करते हैं। चलती हूँ अंदर, देखती हूँ कि गैस है या नहीं है, क्योंकि बर्तन भी मैं इधर धो के रख देती हूँ, जब सूखते हैं फिर समेटती हूँ, तो अभी गैस चेक करती हूँ। ओह नहीं है, तो सिलेंडर को देखती हूँ, अगर उसमें सिलेंडर में गैस है तो फिर इसको जोश कर लेती हूँ, क्योंकि देर हो जाती है ना तो फिर ये रोती रहती सारा दिन। शुक्र है सिलेंडर तो थोड़ा बहुत था, आज जो है ना रात से मोटरसाइकिल बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही, पता नहीं क्या मसला है। सुबह को बच्चों को भी अब्बू जी पैदल ही छोड़ के आए हैं बेचारे, तो अभी जो है ना क्यों नहीं हो रही, शायद जाता हूं कारीगर को दिखाता। अच्छा, क्योंकि अभी जो है ना अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो दवाई लेने जाना है, तो ये स्टार्ट नहीं हो रही, अभी भी इसको लेके जा रहे हैं दिखाने के लिए, अभी पैदल ही बेचारे लेके जाएंगे, अब इसको दिखाएंगे पता नहीं क्या मसला हो गया है, क्योंकि मोटरसाइकिल के बगैर भी गुजारा नहीं है, घर में छोटे मोटे काम होते हैं तो बंदा कर लेता है, तो मोटरसाइकिल ख़राब हुई है, क्योंकि मैं ये अब्बू से यही कह रही थी कि मैंने कहा पेट्रोल को देख के ख़राब हो गया, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है,
तो रात से हमारी मोटरसाइकिल भी खराब हो गई, पेट्रोल तो महंगा होना ही होना है आगे तो, क्योंकि ये तो काम आ जाती है चाहे चीज़ नई हो या पुरानी। क्योंकि हमारे घर का सर्किट तो अल्हम्दुलिल्लाह चलता ही रहता है, क्योंकि छोटी मोटी घर के काम होते हैं तो इस पे हम लोग जाना चले जाते हैं, तो अब्बू के भी काम आ जाती है, बच्चों के भी काम आ जाती है, तो अल्लाह करे कि बन जाए, कुछ ज़्यादा मसला ना हो, बस थोड़ा बहुत मसला हो, अल्लाह करे बन जाए, क्योंकि अब्बू अभी लेके चले गए हैं। अच्छा, और यहाँ पे बेगम साहबा और आयत फातिमा दूध पी रही है? बेगम साहबा दूध नहीं पी रही, आयत दूध पी रही, क्योंकि ये कहती मुझे नहला हो, इसको पसीना आ रहा है, मैंने दवाई पिलाई है, तो ये अच्छा। कहती मुझे नहला, मैंने मुंह धुला। और वो देखो वो हमारी मामी जी भी आ गए, मेहमान आ गए हैं, अम्मा जी मामी आ गई। अच्छा आयत अब रो रो के सो गया ना? अभी सो रही है बस, क्योंकि इसको वो अब्बू जी भी मेरे ख्याल में आ गए पीछे, मेरे ख्याल में पैदल आए, मोटरसाइकिल लेके तो नहीं आए। तबीयत सी है, ठीक है, बच्चे ठीक हैं आपके? चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो और मामी जी, मामा जी किधर हैं? ठीक है, मामा काम कर रहा है। तबीयत मामा जी की ठीक है, खैरियत है? आया नहीं है मामा जी? है ठीक है। मामा नहीं आया? मैं मामा भी कोई नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा घर रहे हैं, चले माशाल्लाह। ये जो है ना अम्मी की भाभी है, ये इनकी जैसे मेरी इकलौती भाभी है ना, अम्मी की भी इकलौती भाभी है, और मेरी मामी जी है। हाँ, इनकी मामी जी है। चलो अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, क्योंकि भाई हैं तो भाभियाँ होती हैं, क्योंकि जब भाई ठीक होते तो फिर भाभियाँ भी ठीक होती हैं, और जो है ना भाई नहीं है तो फिर भी बेचारी आ गई है ना उनका पता करने के लिए। इंसान ज़रूरी नहीं कि जवान हो या बूढ़ा हो, लेकिन दिल की बात होती है, उनको प्यार है तो वो बेचारी पैदल आई हैं इतना सफ़र करके अपनी नंद के पास मिलने के लिए उनको ना। सही। और इधर अब्बू जी बैठे हुए हैं, मूड ख़राब है मेरे ख्याल में, बस वो मोटर तो पैदल आए हैं थोड़ा इसी वजह से भी, और पैदल भी आए हैं बेचारे, क्योंकि एक तबीयत ठीक नहीं थी और ऊपर से ये मसला, बच्चों का भी टाइम क्या हुआ, मोटरसाइकिल ज़्यादा ख़राब थी मसला क्या हुआ है? पता है अंजन नया डलेगा, अंजन नया डलेगा, क्या अंजन ख़राब हो गया? क्या अंजन ख़राब हो गया इसका? अल्लाह चलो अल्लाह खैर करे। छोटा मोटा काम होता तो आप ले आते? छोटा मोटा नहीं, ज़्यादा काम है इसका। अच्छा चले अल्लाह खैर करे, अल्लाह चलो अल्लाह बेहतरी करेगा। तो फिर बनाते नहीं, सामान शामान नहीं लिया क्या? कल मिलेगा आपको, कल मिलेगा, कल मिलेगा, किसी से मोटरसाइकिल लेके बच्चों को भी उठाना है 12 बजे। अच्छा चलो अल्लाह खैर करे। ये क्या है? ये पर्चे बना के दिया सामान के, इतना बड़ा तवीज़ बना दिया जी। अगर आपने लेने तो फिर उनको आप बोल देते कि आप खुद डाल दो, फिर हम लोग आपको जो है ना पैसे दे देंगे, आप कहाँ से ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लाते रहेंगे? वो कहते हैं खुद ले आओ। के लिए भी कुछ करते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं अल्लाह करीम है इंशाल्लाह। तो ठीक है, आप उठे हैं, इसको आयत को छोड़ें, मामी जी आई हुई है, मामी जी की भी कुछ खिदमत करें। अम्मी और मामी जाना गप शप कर रही हैं, और यहाँ पे बच्चा लेके आया दूध, मैं बना ली थी जल्दी से चाय, तो मैंने कहा आप जो है ना थोड़ी गप शप करें, मैं अभी बना के लाती हूँ। और कौवे जो है ना बहुत ही शोर कर रहे हैं, ये देखें यहाँ पे खजूर के ऊपर बैठते हैं और इधर इस दरख्त पे बैठते हैं सामने वाले पे, तो यहाँ पे गपशप चल रही है, क्योंकि मामी को भी जल्दी ये कह रही, मामा घर में अकेले हैं, मामा जी फिर परेशान हो जाएंगे, तो आप जाना बस रो, खाना तो मैं नहीं खाऊंगी, और खाना नाश्ता मैं करके आई हूँ, खाना नहीं खाऊंगी, तो बस अब थोड़ी सी चाय पिला दें फिर मैं चली जाऊँगी, मुझे बहुत जल्दी है। मैंने कहा मैं पता करके हूँ अपनी नंद का, क्योंकि इतने दिनों से वो भी नहीं गई ना इसलिए। ये देखिए माशाल्लाह मैंने चाय चढ़ा दी, और इसमें जो है ना मैंने सौंफ डाल दिए, क्योंकि सौंफ जो है ना हाजमे के लिए हम लोग डालते हैं चाय में, तो मैंने सौंफ भी थोड़े से डाले, अभी जोश आएगा। मामी के लिए चाय बना रही हूँ, और जो है ना मैंने कहा कि आप जो है ना खाना खा के जाइएगा दोपहर को, तो मामी कह रही नहीं मैंने नाश्ता कर लिया, नाश्ता करके आई हूँ, और आपके मामा जी घर में अकेले हैं तो मैं ज़रा जल्दी में हूँ, एक माँ हो गया तो अम्मी भी नहीं गई, वो लोग भी नहीं आए, तो आज मामी ने बोला मैं चली जाती हूँ, 2-3 किलोमीटर बेचारी चल के आई है पैदल का सफ़र, तो इसलिए जो है ना थकी हुई भी थी, कह रही बस मैं चाय पी लेती हूँ, मुझे थोड़ी सी चाय पिला दो और मैं अभी चली जाऊँगी, क्योंकि जो है ना आपके मामा जी घर में अकेले हैं, इसलिए मैंने कहा चलें ठीक है, तो अभी मैं बस चाय बना रही हूँ उनके लिए। कितनी देर है चाय को? तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह, चाय हमारी बिल्कुल तैयार है, अभी जो है बस डालती हूँ, काफ़ी देर हो गई। ये देखिए माशाल्लाह कलर कैसा आया, कड़क चाय है। जल्दी जल्दी मामी ने जाना है, मामी ने कहा कि घर जाना है, फिर शाम हो जाएगी, देर हो जाएगी। बन गई चाय? चलो दे मामी जी को, मामी जी चाय लें आप, तो यहाँ पे अम्मी जी को भी दे रही है चाय। अम्मी के लिए भी बना दूं? क्या हुआ हमारे लिए चाय नहीं लिया आप, मामी जी को और अम्मी जी को दिया? मैंने समझा कि बस एक ही डब्बा था छोटा लेके आया बच्चा, तो मैंने इसलिए 3 कप बनाए, मैंने कहा 2 ये मेहमान है और 1 अम्मी के लिए बनाया, मैंने अपने लिए नहीं बनाई।
चलो माशाल्लाह, चलो दे दिया मेहमानों को तो पूरी हो गई है ना। हाँ जी, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए भी नहीं बची? मेरे लिए मैंने खुद नहीं बनाई, मैंने कहा कि अच्छी चाय बनाऊं मामी के लिए ना, इसलिए छोटा डब्बा। तो फिर इतना सा तो डब्बा था, डब्बे में क्या एक दो कप ही बनेंगे। दूध होता है उसमें। तो बस इस वीडियो का यहीं पे करते हैं, और कभी ना दिमाग खाया हुआ है आज, इस वीडियो का यहीं पे करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो को पसंद ही होगी। अगर पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।